न्यायालय के आदेशों पर कसौली होटल में हुए अवैध निर्माण की गिराने गई टीम पर ही रुष्ट होटल व्यवसायियों ने गोली चला दी है, जिसकी वजह से एक महिला कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। गोली चलने से जिस महिला की मौत हुई है वह महिला सैलवाला असिस्टेंट टाउन प्लानर के पद पर तैनात थी। सैलवाला सुबह 9:30 बजे पुलिस अधिकारियों के साथ माननीय न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करने कसौली में स्थित शिवालिक और नारायणी होटल में पहुंची और पुलिस सुरक्षा में अवैध निर्माण को गिराने का कार्य आरंभ किया गया, जिस पर होटल व्यवसायियों ने विरोध भी किया। कुछ देर में मौके पर एसडीएम सोलन आशुतोष गर्ग और डीएसपी परमाणु रमेश वर्मा भी पहुंच गए। उनके समक्ष भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। शिवालिक होटल और नारायणी होटल मालिकों ने मौके पर जमकर हंगामा किया। यहां तक कि नारायणी होटल मालिक ने आत्महत्या करने की धमकी भी दे दी थी, लेकिन दोनों अधिकारियों ने स्थिति पर जल्द नियंत्रण कर लिया और होटल व्यवसायियों ने खुद होटल को खाली करने का आग्रह किया, जिसमें होटल व्यवसायियों ने सहमति भी जताई। स्थिति को नियंत्रण में देख सभी अधिकारी वहां से अगले होटल में चले गए। साथ ही सैलवाला असिस्टेंट टाउन प्लानर और एसएचओ को होटल को गिराने का आदेश दे गए। नारायणी गेस्ट हाउस का मालिक जिसने इस घटना को अंजाम दिया वह नियंत्रण से बाहर हो रहा था और उसे जो आदेश एसडीएम सोलन ने दिए थे उन पर अमल नहीं कर रहा था, और जब लोक निर्माण विभाग के कर्मी मौके पर कार्रवाई अमल में लाने के लिए होटल में प्रवेश किया तो नारायणी गेस्ट हाउस के मालिक विजय ने बंदूक तान दी और गोलियां बरसाने लगा। पहली गोली लोक निर्माण विभाग के बेलदार को लगी तो दूसरी गोली सैलवाला को लगी, लेकिन विजय यहां पर भी नहीं रुका और फिर उसने दो गोलियां और चलाई जो सैलवाला को लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जब नारायणी गेस्ट हाउस का मालिक विजय प्रशासनिक अमले का विरोध कर रहा था तो उसने वहां पहुंचे अधिकारियों के सामने आत्महत्या की धमकी भी दी थी, जिस पर डीएसपी रमेश शर्मा ने उसे गिरफ्तार करने के आदेश भी दिए थे, जिस पर उसे दो पुलिस कर्मियों और एसएचओ ने हिरासत में लिया था। अगर उसे उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया होता तो शायद इस घटना से बचा जा सकता था। पुलिस कर्मियों के अंदाजा भी नहीं लगा होगा कि उनकी छोटी सी लापरवाही इतने बड़ी घटनाक्रम को अंजाम देगी। करीबन 50 पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे जिनके समक्ष यह हादसा हुआ। अगर पुलिस प्रशासन और भारी सुरक्षा कर्मियों के बीच होटल व्यवसायी सरकारी अधिकारी को मारकर वहां से फरार होने में कामयाब हो गया है तो ये सुरक्षा कार्य प्रणाली पर भी सवाल या निशान खड़ा करती हैं। फिलहाल पुलिस की 4 टुकड़ियां विभिन्न दिशाओं में आरोपी की खोज कर रही है। कसौली में हुई गोलीकांड में महिला की जान जाने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। आरोपी हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाना आरंभ कर दिया है, जिसमें पुलिस द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो भी आरोपी की सूचना पुलिस को देगा उसे 1,00,000 रूपये का इनाम दिया जाएगा। इस घटना में बाद में पुलिस के उच्च अधिकारी भी शिमला से सोलन पहुंच गए थे और इस घटना के बाद वह किस प्रकार से कार्य करेंगे उसके लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इस मौके पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निदेशक भी मौके पर मौजूद थे। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निदेशक ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए कई विभाग संयुक्त रूप से कसौली के अवैध होटलों पर कार्रवाई अमल में ला रहे थे, लेकिन इसी दौरान होटल व्यवसायी ने गोली चलाकर उनके अधिकारी की जान ले ली है। फिलहाल उनका कल पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और पुलिस आगामी कार्रवाई अमल में ला रही है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार जो कसौली प्लानिंग एरिया में कुछ जो अवैध निर्माण थे होटल्स के, उनके डिसमेंटलिंग का काम चल रहा था और उसमें कमिटीज जो है जिला प्रशासन ने कॉन्स्टिट्यूट की हुई थी, ज्वाइंट कमिटीज, जिसमें टीसीपी विभाग के अधिकारी भी सम्मिलित थे और अन्य सभी संबंधित विभाग भी थे। तो आज दिन में करीब 3:00 बजे जो है नारायणी गेस्ट हाउस है, ये मांडो मटकंडा है कसौली रोड के ऊपर, तो वहां डिसमेंटलिंग के दौरान मालिक है, मतलब मालिक का पुत्र है नारायणी गेस्ट हाउस का, कि उसने फायरिंग की और उसमें हमारे जो है महिला अधिकारी असिस्टेंट टाउन प्लानर श्रीमती सैलवाला शर्मा, जो कि कसौली प्लानिंग एरिया में बतौर एटीए पोस्टेड थी, उनका दुखद जो है निधन हो गया है। और साथ में अभी जो कार्रवाई का जहां तक सवाल है कि उनका जो पार्थिव शरीर है वो सोलन अस्पताल में लाया गया है और प्रशासन के अनुसार जो है पोस्टमार्टम कल सुबह किया जाता है और बाकी पुलिस कार्रवाई कर रही है, जिला प्रशासन कार्रवाई कर रही है।